वैसे तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे कई बल्लेबाज होंगे जिन्होंने दोहरे शतक लगाए होंगे, लेकिन वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक मात्र 5 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कौन है ये 5 क्रिकेटर और कैसे उन्होंने ये दोहरे शतक लगाए। तारीख 24 फरवरी 2010, मुकाबला भारत बनाम साउथ अफ्रीका, जब दक्षिण अफ्रीका की टीम मेजबान भारत के साथ उन्हीं की सरजमी पर सीरीज खेलने आई थी। उसी सीरीज के एक मैच में क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने वह कारनामा कर दिखाया था जो किसी समय में नामुमकिन सा लग रहा था। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 200 रन बनाकर विश्व क्रिकेट में पहला दोहरा शतक बनाने का गौरव हासिल किया था। ये दोहरा शतक उन्होंने मात्र 147 गेंदों में लगाया था। इसी पारी में सचिन तेंदुलकर ने 25 चौके लगाकर एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उस समय ये किसी भी बल्लेबाज द्वारा वनडे क्रिकेट की एक पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा चौके थे। सचिन तेंदुलकर के इस दोहरे शतक की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को 153 रनों से मात दी थी। दिसंबर 2011 में भारतीय टीम के ओपनर वीरेंद्र सहवाग, जो अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से जाने जाते हैं, इसका सबूत उन्होंने तब दिया जब उन्होंने वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 200 रनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 219 रन बनाए थे। ये उस समय वनडे क्रिकेट की एक पारी में बनाया गया सबसे सर्वाधिक स्कोर था। इस मैच में मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले सहवाग ने 149 गेंदों पर 219 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 25 चौके और 7 छक्के लगाए थे। ताज्जुब की बात यह है कि जब सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाया था, तब उन्होंने भी अपनी पारी के दौरान 25 चौके लगाए थे। सहवाग के दोहरे शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 418 रन बनाए थे और भारत इस मैच को 153 रनों से जीता था। नवंबर 2013 को जब ऑस्ट्रेलिया मेजबान भारत के साथ उन्हीं की सरजमी पर 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आया, तब सीरीज के आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने 209 रन जड़े और दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए थे। उनसे पहले भारत के ही सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। इस मैच में रोहित शर्मा ने 158 गेंदों पर 209 रन बनाए थे और वह वीरेंद्र सहवाग के सर्वाधिक 219 रनों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से मात्र 10 रनों से चूक गए थे। लेकिन नवंबर 2014 को रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे इतिहास में सर्वाधिक 264 रनों की पारी खेलकर सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अभी तक रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड को कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। इस दोहरे शतक के साथ ही रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट में 2 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे। अपने पहले दोहरे शतक की पारी के दौरान रोहित शर्मा ने एक पारी में सर्वाधिक 16 छक्के लगाकर शेन वॉटसन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। बता दें कि शेन वॉटसन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी 185 रनों की धुआंधार पारी में 15 छक्के लगाकर एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया था। इस मैच की दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा ने जब अपना 150 रनों का आंकड़ा पार किया, तब भारत की इनिंग में मात्र 27 गेंद ही बाकी थी और तब रोहित शर्मा के लिए दोहरा शतक लगाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन उन्होंने मात्र 18 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन बनाकर ये मुकाम हासिल कर ही लिया। वहीं अपने दूसरे दोहरे शतक में रोहित शर्मा ने भारत के वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर द्वारा एक पारी में लगाए गए सर्वाधिक 25 चौकों के रिकॉर्ड को तोड़ा था। रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 33 चौके लगाए थे, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। जब रोहित ने दूसरी बार दोहरा शतक लगाया था, तो उस मैच की दिलचस्प बात ये थी कि रोहित शर्मा ने 200 से 250 रनों का आंकड़ा पार करने के लिए मात्र 15 गेंदों का सामना किया था और इसी मैच में रोहित शर्मा ने 173 गेंदे खेलकर एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ये किसी भी बल्लेबाज द्वारा वनडे क्रिकेट की एक पारी में खेली गई सर्वाधिक गेंदे हैं। वर्ल्ड कप 2015 के लीग मैच में वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज
क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक आतिशी पारी खेली जिसमें उन्होंने मात्र 147 गेंदों पर 215 रन बनाकर दोहरा शतक लगाया। यह किसी भी बल्लेबाज द्वारा विश्व कप में बनाया गया सर्वाधिक स्कोर था। इससे पहले किसी भी बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप में दोहरा शतक नहीं लगाया था। क्रिस गेल ने मात्र 138 गेंदों पर अपनी डबल सेंचुरी पूरी की थी, जो वनडे क्रिकेट में उस समय सबसे कम गेंदों पर बनाया गया दोहरा शतक था। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के वीरेंद्र सहवाग के नाम था। सहवाग ने मात्र 140 गेंदों पर सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। क्रिस गेल ने अपनी इस पारी में 10 चौके और 16 छक्के लगाए थे। इसी के साथ उन्होंने एबी डिविलियर्स और रोहित शर्मा द्वारा एक पारी में लगाए गए 16 छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की थी। इस मैच को वेस्टइंडीज ने डकवर्थ लुइस नियम से 73 रनों से जीता था। विश्व कप 2015 में ही एक और दोहरा शतक देखने को मिला। जी हाँ, क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध 215 रनों की आतिशी पारी खेली थी और ये विश्व कप का पहला दोहरा शतक था और एक पारी में बनाया गया सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर था। इसी दोहरे शतक के रिकॉर्ड को न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गप्टिल ने तोड़ा और वह वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। उन्होंने 163 गेंदों पर 237 रन बनाए जिसमें 24 चौके और 11 छक्के शामिल हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि मार्टिन गप्टिल ने जब यह पारी खेली तो उन्होंने शुरुआत काफी धीमी की थी। इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पहले 117 रन बनाने के लिए 120 गेंदें खेली थी। इसके बाद अगले 120 रन बनाने के लिए उन्होंने मात्र 48 गेंदों का सामना किया था। इसके साथ ही मार्टिन गप्टिल दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पांचवें बल्लेबाज बन गए थे। बता दें कि न्यूजीलैंड ने यह मैच 143 रनों से जीता था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके सामने ऐसे और क्रिकेट के दिलचस्प किस्सों के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।